Hey guys, welcome to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग सब लोग ठीक होंगे. Guys, आज मैं आपके साथ में एक होममेड चॉकलेट फेशियल शेयर करने जा रही हूँ. जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान फेशियल है. इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे आपको इजीली मिल जाएंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकन आएगा उसे आप क्लिक करिएगा, तभी आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इस फेशियल में जो हमको इंग्रेडिएंट चाहिए वो है कोकोआ पाउडर. ये मैंने विकफील्ड कंपनी का लिया है. आप किसी भी ब्रांड का आपके पास जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं. आपको इजीली किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगा. देन सेकंड जो इंग्रेडिएंट मैंने लिया है ये है फिगारो का ऑलिव ऑयल, जिसे हम जैतून का तेल भी कहते हैं. यहाँ मैंने जैतून का तेल लिया है. अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं. देन अगला इंग्रेडिएंट है मेरा मैदा, रिफाइंड फ्लोर. ये मैंने एक चम्मच लिया है. देन अगला इंग्रेडिएंट है मेरा कच्चा दूध. जी हाँ आपको दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कच्चा दूध ही यूज़ करना है. बॉयल मिल्क आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. दो चम्मच मैंने यहाँ कच्चा दूध लिया है. अगला इंग्रेडिएंट है मेरा शक्कर. एक चम्मच मैंने शुगर ली है. अगर आपकी शुगर के दाने थोड़े से बढ़े हैं तो उसको हल्का सा क्रश कर लीजिएगा. और लास्ट इंग्रेडिएंट है मेरा मलाई. ये होममेड मलाई है. सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चॉकलेट फेशियल. सबसे पहला जो स्टेप होता है फेशियल में वो होता है क्लिंजिंग. तो क्लिंजिंग के लिए मैंने कच्चा दूध लिया है और एक कॉटन की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे उसे लगा लूँगी और अपने पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी, ताकि जितनी भी डर्ट मेरे फेस पे वो निकल जाए. आप लोग जानते हैं कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है. इसमें विटामिन ए, डी, B6, विटामिन B12 होता है, जो कि हमारी स्किन को रिपेयर करता है, हमारी स्किन को लाइटन करता है, हमारे एक्ने स्कार्स को दूर करता है, हमारी स्किन को रिंकल फ्री करता है. मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है कॉटन और दूध के हेल्प से. एंड अब जो फेशियल में सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्क्रबिंग. तो स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में लिया है एक चम्मच शक्कर और आधा चम्मच कोकोआ पाउडर और एक चम्मच ऑलिव ऑयल. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. इन तीनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और अपना स्क्रब मैंने रेडी कर लिया. ये देखिए मेरा स्क्रब बनके रेडी हो गया है. अब मैं फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पे से लगा लूँगी और फिर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करूँगी, ताकि जितनी भी मेरे फेस पे डेड स्किन से वो बिल्कुल रिमूव हो जाए. कोकोआ पाउडर हमारी स्किन को क्लियर करता है, सॉफ्टर बनाता है, डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी स्किन को रिंकल फ्री करता है, ब्लेमिशेस को दूर करता है, हमारे फेस पे ग्लो लाता है. और शुगर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, स्मूथ बनाती है और डेड स्किन को, जितनी भी डेड स्किन हमारे फेस पे, उसे रिमूव करती है. और ऑलिव ऑयल जो इसमें मैंने ऐड करा है वो हमारे फेस में एक मॉइस्चर देता है. एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं इसमें. एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो हमारे रिंकल्स को रिड्यूस करता है. विटामिन भी बहुत होते हैं इसमें, विटामिन ए, डी, ई एंड के ऑलिव ऑयल में होता है. सो गाइस, इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से आपको अच्छे से मसाज करनी है. 2 से 3 मिनट आप अच्छे से मसाज करिए अपने फेस पे. जहाँ जब आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करिएगा. अभी मसाज करके मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया. अब जो तीसरा स्टेप है वो हमारा फेशियल में है मसाजिंग. तो उसके लिए हमें क्रीम बनानी पड़ेगी. उसके लिए मैंने बोल में आधा चम्मच कोकोआ पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने मलाई ली है. दोनों को मैंने मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया. बिल्कुल एक जैसे क्रीम का टेक्सचर कैसा होता है वैसे आपको बनाना है. ये
देखिए मेरी क्रीम रेडी हो गई, मसाज क्रीम। अब मैं अपने पूरे फेस पे से लगा करके 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करूँगी। सर्कुलर मोशन में आप अच्छे से अपने पूरे फेस पे मसाज करिए इसे 10 मिनट के लिए। मलाई हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाती है, स्मूथ बनाती है, एक ग्लोई स्किन देती है हमें। इसके बाद हमारा फेस बिल्कुल फ्लॉलेस जो स्किन होगी ना, बिल्कुल वैसा रिजल्ट दिखेगा आपको। बहुत अच्छा फेशियल, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत सिंपल भी है, सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में ही इजीली अवेलेबल आपको हो जाएंगे और रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा है। अच्छे से पूरे अपने फेस पे, नोज़ के अराउंड, माउथ के अराउंड मसाज करिए। देन देखिए 10 मिनट हो गया। अब मैं इसे हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लूँगी। मैं वॉश कर लिया है मैंने अपना फेस। अब जो फोर्थ स्टेप है वो है फेस पैक या फेस मास्क। तो इसके लिए सब मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा और 1/2 चम्मच कोकोआ पाउडर। तो दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच कच्चा दूध। दूध आपको इतना डालना है कि वो बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में बन जाए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अच्छे से मिक्स करके एक फेस पैक रेडी कर लेंगे हम लोग। मैदा हमारे स्किन को क्लियर करता है, हमारे स्किन पे से टैनिंग को रिमूव करता है, स्किन को फेयर बनाता है, ग्लो करता है। अभी मेरा फेस पैक रेडी हो गया है। अब इसको मैं अपर डायरेक्शन की ओर लगा लूँगी पूरे फेस पे। बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो मिलेगा आपको इस फेशियल से। देखिए मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट तक ड्राई होने दूंगी, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लूंगी। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मेरा पैक पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, रिजल्ट आपके सामने है। स्किन बहुत स्मूथ, सॉफ्ट, ग्लोई हो गई है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।